Good morning, students. Welcome to the online classes, and I hope you all enjoy your e-learning classes very much. And I hope too that you will study good. Well, so now the first chapter of your SST book of standard 6 is the solar system, and we have already discussed about some important point of this chapter. So first, before we start further, I would like to recall some important terms. So what we have read in this chapter already, so we have read about universe, galaxies, different type of galaxies, stars, constellations, है ना. फिर सोलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, और शायद हमने सन के बारे में और कुछ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था. तो हमने प्लैनेट्स में मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, यहीं तक पढ़ा था. शायद जुपिटर भी पढ़ा था क्या? अच्छा चलो, अगर नहीं भी पढ़ा तो हम लोग फिर से जुपिटर से स्टार्ट करते हैं. देखिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे वन बाय वन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब के बारे में डिटेल में लिखा है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, द जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विद फेंट रिंग अराउंड इट. इट इज अबाउट 318 टाइम्स हेवियर देन द अर्थ, एंड ऑल्सो इट्स डायमीटर इज अबाउट 11 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द अर्थ. एंड इट इज अ गैस जायंट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड इट इज ऑल्सो अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड एंड 67 नेचुरल सैटेलाइट्स. शायद हमने जुपिटर के बारे में पढ़ा था ना, हाँ, कि ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, और ये 318 गुना बड़ा है और भारी है अर्थ से, और इसके पास सबसे ज्यादा मून है, नेचुरल सैटेलाइट है अराउंड 67. अब जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो है हमारा सैटर्न. सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर, एंड इट इज नोन फॉर इट्स रिंग. स्पेस स्टडीज शो दैट दिस प्लैनेट हैज 12 मेजर रिंग्स मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स वैरिंग इन साइज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू एज बिग एज एन आइसबर्ग. सैटर्न इज विजिबल विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप, एंड इट हैज 62 नेचुरल सैटेलाइट. देखिए, अब जो दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है आफ्टर जुपिटर इज योर सैटर्न, क्लियर. और हम लोग सैटर्न को उसके रिंग्स की वजह से जानते हैं. देखिए, यहाँ पे आप फोटो देखेंगे, सोलर सिस्टम है और उसमें सारे प्लैनेट्स हैं. यहाँ पे आपका सैटर्न है जिसके अराउंड रिंग्स लगा है. तो जुपिटर के भी अराउंड रिंग है, नेपच्यून के भी अराउंड रिंग है, और यूरेनस के भी अराउंड रिंग है. बट सैटर्न के अराउंड रिंग हम आसानी से टेलीस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिंग है ये कम से कम टोटल 12 रिंग है अराउंड सैटर्न. और ये सारे जो रिंग है ये बहुत छोटे छोटे भी हैं और बहुत बड़े बड़े भी हैं, और ये सारे आइस पार्टिकल से बने हैं, बर्फ के पार्टिकल से बने हैं. और सैटर्न के पास टोटल 62 मून्स है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है. अब जो थर्ड है वो है आपका यूरेनस. यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न. इट इज द 4 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ. यूरेनस इज सिमिलर टू जुपिटर एंड सैटर्न इन इट्स कॉम्पोजिशन बट कोल्डर बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. यूरेनस ऑल्सो हैज थिन रिंग बट दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ एज दे आर ब्लैक इन कलर एंड इट हैज 27 नेचुरल सैटेलाइट. देखिए, अब जो तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है आपका यूरेनस. यूरेनस जुपिटर और सैटर्न के बाद आता है, थर्ड नंबर पे इसका साइज है. अब क्या है कि ये जुपिटर और सैटर्न में ऑलमोस्ट सेम सेम है कॉम्पोजिशन, जिस चीजों से ये प्लैनेट बना है वो ऑलमोस्ट सेम है. और ये बहुत ज्यादा ठंडा प्लैनेट है. तो ठंडा क्यों है? क्योंकि ये प्लैनेट सन से काफी डिस्टेंस पे है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर जितना नजदीक होगा उतना गर्म होगा, और जितना दूर होगा उतना ठंडा होगा. अब देखिए, यूरेनस के अराउंड भी रिंग है, लेकिन हम लोग अर्थ से उसके रिंग को नहीं देख पाते. क्यों? क्योंकि इसका रिंग जो है वो ब्लैक कलर का होता है, और रात में ब्लैक कलर तो नहीं दिखेगा, इसलिए हम यूरेनस के रिंग को नहीं देख पाते हैं. और इसके पास टोटल 27 सैटेलाइट्स है.
अब जो लास्ट प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम में वो है नेपच्यून। नेपच्यून ऑल्सो कॉल्ड ब्लू जायंट एंड इट इज फास्टेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज सो फार फ्रॉम द सोल अर्थ एंड दैट इज कैन हार्डली बी सीन इवन विद अ पावरफुल टेलीस्कोप्स। इट स्पिन्स क्वाइट रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस टेकिंग ओनली 16 hours 7 minutes फॉर वन रोटेशन। वन ईयर ऑन नेपच्यून लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 165 Earth years। Space studies shows that it is about 13 satellites and thin rings similar to those of Uranus. अब देखिए, नेपच्यून को ब्लू जायंट भी कहते हैं और ये सबसे दूर वाला प्लैनेट है अर्थ का, सॉरी पूरे सोलर सिस्टम का। और आप ये नेपच्यून को पावरफुल टेलीस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं, इतना दूर है कि ये बिल्कुल भी नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा माना जाता है या स्टडीज से पता चला है कि ये अपने एक्सिस में बहुत जल्दी मूव करता है, रोटेट करता है। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर लगता है, पूरा एक दिन, लेकिन आपका जो नेपच्यून है वो सिर्फ 16 घंटा और 7 मिनट में, 16 hours and 7 minutes में वो अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है। और ये अर्थ के, ये सन के अराउंड जब भी रिवॉल्व करता है तो हमारा जो अर्थ का रिवॉल्यूशन पीरियड होता है वो 365 days का होता है, जिसको हम एक साल मानते हैं 365 दिन। लेकिन अगर हम अर्थ के ईयर के हिसाब से चले तो नेपच्यून का एक साल बस 165 days में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का वो है ड्वार्फ प्लैनेट। तो अब ये ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? A dwarf planet is a celestial body that orbits the sun, has enough mass to assume a nearly around shape, and it is not a moon. These include Pluto, Ceres, Eris, Makemake, and Humal. Pluto, earlier considered to be the smallest planet, was classified as dwarf planet in 2006. Pluto is slightly smaller than the Earth's moon, and it takes Pluto 248 years to go around the sun. One day on Pluto is about 6.5 days on the Earth. देखिए, अब कुछ ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए क्योंकि इनका कोई परमानेंट ऑर्बिट नहीं होता। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड अपने एक फिक्स पाथ पे रोटेट रिवॉल्व करते हैं, है ना, ऑर्बिट पे। लेकिन ये ड्वार्फ प्लैनेट का अपना ऑर्बिट नहीं होता है। तो अभी क्या है कि प्लूटो को पहले 9th प्लैनेट मानते थे और सबसे छोटा प्लैनेट मानते थे। क्यों? और प्लूटो का साइज आपको बता दे, अर्थ का जो मून है उससे भी छोटा है प्लूटो। तो और प्लूटो को कम से कम एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड लेने में 248 ईयर्स लगता है, साल। सोचो कितना दूर है और कितना छोटा है। लेकिन हमारा अर्थ तो एक साल में एक रिवॉल्यूशन कर लेता है, लेकिन प्लूटो 248 ईयर्स में करता है। प्लूटो के अलावा भी बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। क्लियर। तो जो अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोलर सिस्टम का वो है आवर यूनिक अर्थ। यूनिक इसलिए क्योंकि हमारा अर्थ ही है पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट जिसपे लाइफ पॉसिबल है। इंसान, जानवर, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक लाइफ यहाँ पे आराम से रह सकता है। इसलिए हमारा अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट है। तो लेट्स रीड अबाउट दिस एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस इट इन ब्रीफ। ओके। Our planet Earth is the only planet which has life. The photographs of the Earth taken from space shows that it is a colorful planet with shades of blue, white and green. The oceans and seas make the Earth look blue when seen from the space. The white color represents the cloud and the green shows the vegetation. 30% of our planet is discovered by land and 70% by water. The Earth is surrounded by an atmosphere of nitrogen, oxygen and water vapor, and it also has a layer of ozone which absorbs some of the damaging radiation from the sun. Most importantly, the Earth has water, and these conditions support life. Besides, our planet has soil which allows plants to grow. Through the temperature on the Earth vary a lot, -65°C to 65°C. We have more or less constant temperature between day and night.
our planet is about 1,149,591,000 km away from the sun. Therefore, it is neither too hot or nor too cold. The Earth shape is geoid, meaning it is slightly flattened at poles, and it takes 365 1/4 days to complete one rotation around the sun, and it completes one rotation in 24 hours. Its axis of rotation is tilted, and which is responsible for change of seasons, and the Earth rotates from west to east. Okay, west to east on its axis, and its rotation causes day and नाइट. तो यहाँ तक हमने देखा. अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं आवर यूनिक अर्थ के बारे में डिटेल में समझाऊंगी. तब तक आप मैंने जो भी पढ़ाया उसे आप रिकॉल करें, और साथ में आपको मैंने जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं पर डे पीडीएफ के थ्रू आपको मिल रहा है, तो आप उसको भी देखते रहें. और प्लीज कीप स्टडीइंग एंड बी सेफ.